हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज आप मुझे थोड़ा सा रेडी देख सकते हो क्योंकि आज मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके व्लॉग बनाती हूँ। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा तैयार हुई, वैसे ही हो गई है लाइट गोल। और अब पता नहीं लाइट चली गई है तो कब आएगी। व्लॉग स्टार्ट करने के लिए लाइट का वेट कर रही थी बट अभी तक ये लाइट आई नहीं है। सो देखते हैं कि कब आएगी लाइट और उसके बाद मैं आगे का व्लॉग बनाऊंगी। लाइट आ चुकी है और अब मैं बहुत अच्छे से व्लॉग बना सकती हूँ क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कुछ काम ही नहीं हो पाता गर्मी के कारण। तो अपना ट्राइपॉड लेने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे हाथ से मोबाइल पकड़ने की आदत नहीं है। सो तो ये रहा मेरी रिंग लाइट, ये रहा मेरा छोटू सा ट्राइपॉड। तो मैं इसमें मोबाइल लगा लेती हूँ, देन आगे की व्लॉगिंग करती हूँ। मैं हूँ किचन पे और मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन का चीला। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि किसको किसको बेसन का चीला पसंद है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों के साथ, वैसे भी बेसन के चीले की रेसिपी बहुत छोटी सी होती है, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक कटोरे में थोड़ा सा बेसन। बेसन में डालेंगे एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे मिर्ची, मैंने यहाँ पे दो मिर्ची ली है बारीक कटी हुई। और अब डालेंगे हरा धनिया। उसके बाद हमें डालना है इसमें दो चम्मच दही। दही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए तो आप डाल सकते हैं, या फिर ना भी डालें तो भी चलेगा। उसके बाद डालना है हमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि बेसन के चीले में थोड़े से कलर के लिए हम हल्दी डाल सकते हैं। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और इसे बहुत ही अच्छे से हम मिला देंगे ताकि इसमें हमने जो जो डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब डालेंगे हम इसमें पानी। पानी आपको इतना डालना है कि चीले के लिए बैटर बन जाए। आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। फिर हम इसे अच्छे से फेटेंगे। इतने अच्छे से फेटना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने और इसका बैटर बहुत ही स्मूथली तैयार हो जाए। बैटर तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट में ही बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। बैटर में आप पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाएं। आपको कितना पतला बैटर चाहिए या कितना मोटा बैटर चाहिए, आप एकदम से पानी मत डालिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि चीले का जो बैटर है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते जाइए और इसे अच्छे से फेटते जाइए। हमारा बैटर तैयार हो गया है। जैसे जैसे चीला एक साइड से सिकाता जाएगा वैसे वैसे ऊपर से वो ड्राई होता जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो नीचे की तरफ से पूरा सिक चुका है और आप ऊपर से ऑयल लगा सकते हैं। जब चीला पूरा ऊपर से ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसे आराम से पलट सकते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी वैसे ही सिक सके। तो गाइज़ ये पूरा ऊपर से ड्राई हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पलट दिया। ये बीच से थोड़ा सा ज़्यादा सिका हुआ लग रहा है बट ये जला नहीं था। मुझे हल्का सा रेड चीला ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये वाइट वाइट सा रहता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि चीला कच्चा ही रह गया। तो गाइज़ बेसन का चीला बनाना बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मेरा चीला, अचार और चाय खाने के लिए तैयार है। तो ये है मेरा नाश्ता। खाना बन चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ये मैंने बनाई है कोचई की खट्टी वाली सब्ज़ी, आप देख सकते हो ये है कोचई। और ये दही वाली सब्ज़ी है
चाहिए कि दही वाली सब्जी की रेसिपी चाहिए होगी, तो आप मेरे सेकंड चैनल रिचा मेरा शॉर्ट्स पे कल मैं अपलोड करूंगी, तो आप उस पे जाके देख सकते हो। एक्चुअली अगर मैं व्लॉग वाले चैनल पे रेसिपी शेयर करूंगी तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने जो सेकेंड चैनल है मेरा रिचा मेरा शॉर्ट्स, मैं उस पर अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज़ गाइज आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, मैं इस वीडियो के लास्ट में उसे मेंशन कर दूंगी। अभी शाम हो गई है, बज रहे हैं 7:15 और मेरी अभी पूजा हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर, ये है मेरा मंदिर जहाँ मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था चाय और पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पोहा बहुत पसंद है और आज वो घर पे ही थे, अभी जस्ट बाहर निकले हैं। मैं शाम के समय अपने घर के पास का व्यू दिखाती हूँ कि शाम को बाहर का माहौल कैसा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे सामने के जो प्लाट्स हैं ना वहाँ पे घर नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा खाली खाली सा लगता है। अभी तो शाम हो गई है तो इसलिए मैं ना आपको आज तो छत पे नहीं ले जा सकती, बट मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको मैं छत से मैं अपने घर के आसपास का पूरा व्यू दिखा सकूँ। डिसाइड किया है कि आज मैं खाना नहीं बनाने वाली, खाना मीन्स मैं आज सब्जी और रोटी नहीं बनाने वाली, क्योंकि आज मुझे पनीर कोल्हापुरी और तंदूरी रोटी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया है। मैं पनीर कोल्हापुरी की सब्ज़ी एक ही रेस्टोरेंट से मंगाती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो सब्ज़ी होता है वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पनीर की सब्ज़ी कैसी आई है। वैसे तो हर बार सेम ही आती है, बट आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस आ गया है मेरा पार्सल जो मैंने मंगाया है सब्ज़ी और रोटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि पनीर की सब्ज़ी कैसी है। सो गाइज ये है मेरी पनीर कोल्हापुरी की सब्ज़ी, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये मंगाया था मैंने रोटी, तो आ गई है मेरी सब्ज़ी और रोटी। व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग बना सकूँ, थोड़े थोड़े टाइम का ही बनाऊँ बट बना सकूँ। सो गाइज मिलते हैं कल के व्लॉग पे, बाय।